तो भैया आज जो हम कराने जा रहे हैं, जो पहला मेरा टॉपिक है, ओम स्लो मैंने कराया था, ठीक है, लेकिन ओम स्लो को मैं थोड़ा सा और एक बार बता देता हूँ, क्योंकि उसमें कई चीजें आती हैं, ओमिक सब्सटेंस, नॉन ओमिक सब्सटेंस, है ना, और ग्राफ वगैरह, तो और सुपर कंडक्टर वगैरह, ठीक है। सुपर कंडक्टर उतना ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है आपके हिसाब से, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि क्या है सुपर कंडक्टर, ठीक है भैया। तो जो आपको करना है पहले भैया, ओम स्लो, ओम स्लो बता रखा है भैया, ओम स्लो जब भी आप परफॉर्म करते हो तो ये आपका रेजिस्टेंस है और इसकी वैल्यू को कांस्टेंट कर देते हो। क्या करते हो भैया? कांस्टेंट। कब कैसे करते हो? टेम्परेचर को कांस्टेंट करके। क्या करके? टेम्परेचर कांस्टेंट करते हैं, के साथ ही आपका रेजिस्टेंस भी क्या होता है भैया? कांस्टेंट ही आता है, ठीक है भैया। और उसके बाद नीचे वाला जो पोटेंशियल होता है इसको इंक्रीज करते हो, तो यहां पर जो करंट होता है वो भी क्या होता है भैया? इंक्रीज होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपको पता है वी इक्वल्स टू क्या होता है? आई आर होता है। क्या होता है? ये तो वैल्यू फिक्स हो गई है, अगर ये बढ़ेगा तो इसका मतलब ये बढ़ रहा है, ये वैल्यू को फिक्स कर दिया मैंने। अगर पोटेंशियल बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या होगा? करंट बढ़ेगा। तो V इज डायरेक्टली इक्वल टू I, कब? जब आपने टेम्परेचर को क्या रखा है? कांस्टेंट का रखा है। यही क्या कहलाता है भैया? ओम्स लॉ। क्या कहते हैं भैया? ओम्स लॉ, ठीक है। अब आते हैं भैया ओम्स लॉ में, जो ग्राफ होता है वो VI ग्राफ, पोटेंशियल और करंट के बीच का ग्राफ। तो अगर मैं बोलू भैया ओमिक सब्सटेंस, वो सब्सटेंस जो ओम्स लॉ को फॉलो करती है, ऐसे सब्सटेंस जिसमें अगर आप रेजिस्टेंस को, टेम्परेचर को फिक्स कर दो, है ना, टेम्परेचर को फिक्स कर दो और उसके बाद उसका पोटेंशियल बढ़ाओ तो आपका करंट बढ़ेगा, तो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं भैया? ओमिक सब्सटेंस कहते हैं। और जब आप ग्राफ खींचोगे ऐसे सब्सटेंस का तो वो ग्राफ कुछ इस प्रकार से जाएगा, है ना, और स्लोप क्या रहेगा इसका? कॉन्स्टेंट रहेगा। क्या रहेगा भैया? स्लोप कॉन्स्टेंट। और इसका स्लोप अगर आप निकालते हो तो इसका स्लोप क्या होता है भैया? स्लोप, स्लोप होता है आपका टेन थीटा। क्या होता है भैया? और टेन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो भैया देखिए ये क्या है भैया? थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर, जो कि क्या है? पोटेंशियल है। क्यों? क्योंकि ये इसके पैरेलल, तो ये पोटेंशियल, तो ये भी क्या होगी? पोटेंशियल। और ये क्या होगा भैया? करंट के पैरेलल, तो करंट होगा ये, ठीक है भैया। तो परपेंडिकुलर क्या है भैया? वी। और बेस क्या है भैया? आई। तो ये क्या होगा? वी अपॉन में आई। क्या होता है भैया? आर। यानी स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ क्या देता है भैया आपको? रेजिस्टेंस। क्या देता है भैया? रेजिस्टेंस। और स्लोप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या भैया? रेजिस्टेंस है। यानी अगर वी आई ग्राफ में स्लोप ज्यादा है, दो लाइन खींच रहा हूं मैं, ठीक है भैया, एक लाइन खींच रहा हूं, ये एक ये खींच रहा हूं और एक ये खींच रहा हूं, तो भैया यहां पर थीटा ए है और ये थीटा बी है, तो बताओ किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा? थीटा ए का रेजिस्टेंस क्या होगा? ज्यादा होगा, क्योंकि स्लोप वाई एक्सिस से निकाल रहे हो आप इस बारी, ठीक है भैया। तो रेजिस्टेंस ऑफ ए इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ बी, क्योंकि स्लोप इसका ज्यादा है, इसका कम है, ठीक है भैया। तो ये हो गया। और अगर मैं नॉन ओमिक वीआई ग्राफ नॉन ओमिक सब्सटेंस के लिए करता हूं, नॉन ओमिक, ओमिक सब्सटेंस, नॉन ओमिक सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते, ऐसे सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं भैया? नॉन ओमिक सब्सटेंस कहते हैं। जब हम इनका ग्राफ खींचते हैं तो आईवी ग्राफ जो होता है वो क्या होता है भैया? ऐसा टेढ़ा मेढ़ा आता है, फ्लक्चुएट करता है हर जगह पर, ठीक है भैया, ऐसा यूनिफॉर्म नहीं चलता, ठीक है भैया। इसका एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं तो ओमिक सब्सटेंस के एग्जाम्पल आपको कभी पूछा जाए तो आप ध्यान रखना, इसके एग्जाम्पल जो होंगे ओमिक सब्सटेंस के, वो कंडक्टर एट फिक्स्ड टेम्परेचर, कंडक्टर अगर आप फिक्स्ड टेम्परेचर पर देखोगे तो वो क्या होगा? ओमिक सब्सटेंस होगा। क्योंकि अगर फिक्स टेम्परेचर नहीं करते, टेम्परेचर वेरिएबल करोगे तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा? वेरिएबल होगा। और जब रेजिस्टेंस वेरिएबल होगा तो करंट की वैल्यू क्या होगी? फ्लक्चुएट करेगी, क्योंकि करंट डिपेंड करता है किस पे? रेजिस्टेंस पे। रेजिस्टेंस वेरी करेगा तो करंट भी क्या होगा आपका? वेरी करेगा, ठीक है भैया। अब बात करते हो भैया नॉन ओमिक सब्सटेंस की, तो नॉन ओमिक सब्सटेंस में आपका ग्राफ क्या होता है? वी आई ग्राफ जो होता है इस तरीके से बनता है, ठीक है भैया। अब इसको देखिए, इसका हर पॉइंट पर स्लोप क्या आ रहा है आपका? अलग अलग आ रहा है। तो यहाँ का रेजिस्टेंस क्या होगा? कुछ और होगा, क्योंकि आपको पता है वीआई ग्राफ का स्लोप क्या देता है? रेजिस्टेंस देता है। क्या देता है? तो यहाँ का स्लोप कुछ और है, यहाँ का स्लोप कुछ और है, और यहाँ का स्लोप क्या भी है? कुछ और है, ठीक है। कहाँ का स्लोप ज्यादा है? यहाँ का या यहाँ का, बताओ? ए ए पॉइंट का, बी पॉइंट का, या सी पॉइंट का? ए का सबसे ज्यादा स्लोप है, ए का सबसे ज्यादा स्लोप है, तो इस पॉइंट पर सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। बी का उसके बाद है, तो फिर क्या होगा? बी का नंबर आएगा। और सबसे कम स्लोप किसका है भैया? सॉरी, सी का, सी का सबसे कम स्लोप है। सी का देखो, ये आर बी लिखो, इसको आर ए लिखना, ठीक है भैया। तो आर देखिए, दूसरे नंबर का स्लोप इसका है, तो इसका रेजिस्टेंस दूसरे नंबर पे होगा। सबसे कम स्लोप किसका है भैया? बी का। तो सबसे कम रेजिस्टेंस क्या होगा भैया? बी का होगा, ठीक है भैया। ऐसा रेजिस्टेंस, ऐसा मटेरियल जिसके रेजिस्टेंस की वैल्यू लगातार बदलती रहती है, उसको नॉन ओमिक, और उस रेजिस्टेंस को हम कहते हैं डायनेमिक रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं भैया?
इस रेजिस्टेंस को यहाँ पर वेरिएबल रेजिस्टेंस हमारा क्या भैया वेरिएबल है, बदल रहा है बार बार ही, इसे कहते हैं डायनेमिक रेजिस्टेंस, डायनेमिक रेजिस्टेंस इस वैल्यू को, ठीक है भैया। और अगर मैं इसका एग्जाम्पल पूछू नॉन ओमिक सब्सटेंस का, तो सेमी कंडक्टर, इसके एग्जाम्पल क्या होंगे भैया, सेमी कंडक्टर और कंडक्टर एट वेरिएबल टेम्परेचर। कह रहा भैया कंडक्टर को मैंने ओमिंग में भी रखा, लेकिन जब मैंने ओमिंग में रखा तो टेम्परेचर को क्या रखा है मैंने, कांस्टेंट, लेकिन जब मैंने कंडक्टर को नॉन ओमिंग में रखा है तो क्या होगा भैया, उस वक्त हम वेरिएबल टेम्परेचर कर देंगे, ठीक है भैया। तो सेमी कंडक्टर तो हमेशा क्या होता है, नॉन ओमिक होता है, लेकिन कंडक्टर भी नॉन ओमिक हो सकता है जब टेम्परेचर क्या हो भैया आपका वेरिएबल हो, फ्लक्चुएट करेगा उसका, ठीक है भैया। फिर अगला जो टॉपिक है इसी में एक आता है सुपर कंडक्टर, क्या आता है भैया, यहाँ पे लिख रहा हूँ भैया सुपर कंडक्टर, सुपर कंडक्टर। तो भैया ऐसा मटेरियल सुपर कंडक्टर, देखिए भैया आमतौर पर हम इसको यूज नहीं करते क्योंकि हमारे ये बहुत ज्यादा महंगा आता है, और इसको अभी जो हमारे पास सुपर कंडक्टर है उसके लिए बड़ी स्पेशल कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है भैया। तो ये सुपर कंडक्टर हमें मिलता है एट लोवेस्ट टेम्परेचर पर, जहां पर बहुत कम टेम्परेचर वाला एरिया रीजन होता है वहां पर हमें एक मिलता है सुपर कंडक्टर। अच्छा लोवेस्ट टेम्परेचर पर क्यों मिलता है, क्योंकि लोवेस्ट टेम्परेचर पर इलेक्ट्रॉन के पास वाइब्रेशनल एनर्जी क्या होती है, सबसे कम होती है, और जब वो वाइब्रेट नहीं करेगा तो आसपास के इलेक्ट्रॉन या एटम से टकराएगा नहीं, वो केवल क्या करेगा सीधा सीधा निकलेगा। जब कोलिजन लीस्ट होता है तो रेजिस्टेंस क्या होता है, लीस्ट होता है, कंडक्टिविटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है, क्या होती है भैया। तो इसीलिए सुपर कंडक्टर बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, लोएस्ट टेम्परेचर, क्या चाहिए। तो भैया सुपर कंडक्टर की कंडक्टिविटी होती है इन्फिनिटी, क्या होती है भैया, रेजिस्टिविटी क्या होती है भैया, जीरो। और कहां पर मिलते हैं, लोवेस्ट टेम्परेचर, लोवेस्ट टेम्परेचर है भैया। और लोवेस्ट टेम्परेचर पे क्या होता है भैया, लेस कोलिजन, क्या होगा भैया, लेस कोलिजन, हाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मैक्सिमम ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और क्या होगा, मैक्सिमम ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मैक्सिमम करंट, है ना। तो इसीलिए हमेशा सुपर कंडक्टर लोएस्ट टेम्परेचर बनते हैं। मेरे को एग्जाम्पल तो याद नहीं क्योंकि ये केमिकल से बनते हैं, इनका केमिकल कंपोजिशन होती है, तो इसलिए मेरे को नाम कभी मैंने याद करने की आवश्यकता नहीं समझी। आप लोग देख लेना, हो सकता है एनसीईआरटी में कहीं पे दिया हो, या फिर नहीं दिया होगा तो गूगल पे सर्च मार लेना, एग्जांपल को पूरा कर लेना अपने आप से, ठीक है, कि भैया सुपर कंडक्टर का एग्जांपल क्या हुआ, ठीक है भैया। अभी हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं भैया। तो भैया फोटो ले लीजिए, कोई प्यारी सी बढ़िया फोटो लेगा कोई एकदम, फिल्टर मत लगाइयो, कुत्ते वाला लगा दियो, पिल्ला बना दियो। कंडक्टिविटी सिग्मा कंडक्टिविटी तो, और वो रेजिस्टिविटी होता है, सही है। चलो मिटो दू, हो गया भाई लोग आगे बढ़े, मिटो रहा हूं। इसके बाद जो मुझे टॉपिक कराना चाहिए वो है पावर, जूस लॉ ऑफ हीटिंग, है ना, ये सब कराना चाहिए, लेकिन अभी नहीं करा रहा, इसको लास्ट में कराऊंगा मैं, ठीक है भैया। इस चैप्टर के एंड में पूरी एक दिन की क्लास लगेगी उसमें। नॉन ओमिक में रेजिस्टेंस क्या होगा, वेरिएबल रहेगा ना, तो डायनेमिक रहेगा, डायनेमिक रेजिस्टेंस कहेंगे। अब तो ये केमिकल कंपोजिशन है, एक अकेला एल्यूमिनियम नहीं हो सकता कभी सुपर कंडक्टर, एल्यूमिनियम अकेला है मुझे नहीं पता भैया, ठीक है, एल्यूमिनियम सुपर कंडक्टर कैसे हो सकता है, हाँ बहुत लोवेस्ट टेम्परेचर पे हो सकता है वरना तो नहीं होगा इसके, ठीक है भैया। खैर चलो कोई नहीं, अपने देख लेना बहुत सारी, बेटो इसे आगे बढ़ते हैं भैया। जो मैं आज कराने जा रहा हूँ काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है, और इसका बहुत जगह यूज होता है, ठीक है भैया, सीबीएसई में भी इसके ऊपर न्यूमेरिकल दबा के पूछे जाते हैं। नाम है भैया किरचॉफ्स रूल, क्या है किरचॉफ्स रूल, ध्यान दीजिएगा भैया, आसान है, अगर एक बार में दिमाग लगा के समझोगे तो समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, रूल बेस्ड है, रूल बेस्ड आपको याद करना होता है, ठीक है, बाकी तो आपको जो चीजें पता ही है, ठीक है भैया। किरचॉफ्स रूल है, टॉपिक का नाम है भैया किरचॉफ्स रूल, ठीक है भैया। किरचॉफ्स का दो रूल है, पहला रूल क्या है भैया, इसे कहते हैं भैया जंक्शन रूल, क्या कहते हैं, जंक्शन रूल। इस रूल के हिसाब से, इस रूल के हिसाब से अगर मैं किसी भी जंक्शन पर कुल करंट की वैल्यू निकालूं, किसी भी जंक्शन पर कुल करंट की वैल्यू निकालूं, तो उस जंक्शन पर कुल करंट की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। अभी पता लग जाएगा मैं क्यों कह रहा हूं, टोटल करंट एट द जंक्शन, एट द जंक्शन, जंक्शन सोचते हैं जहां पर तीन चार तारें जुड़ी होती है उसको हम जंक्शन कहते हैं।
टोटल करंट एट द जंक्शन इज ऑलवेज इक्वल्स टू जीरो। कह रहा भैया किसी भी जंक्शन पर जो कुल करंट की वैल्यू होती है हमेशा क्या होती है भैया, जीरो के बराबर होती है। चलो इसका एग्जांपल यहां पे समेशन लिख देता हूं, टोटल करंट एट द जंक्शन क्या होगा भैया, क्या है भैया जीरो। समेशन मतलब क्या होता है भैया, करंट को जोड़ रहे हो आप, टोटल करंट निकाल रहे हो और वो जंक्शन पर क्या होगा जीरो आएगा। चलो एग्जाम्पल देखते हैं इसका, ठीक है भैया। एग्जाम्पल के तौर पर ये देखिए, ये जंक्शन है ठीक भैया। अच्छा ये I1 करंट आया, ये I2 करंट आया और इधर क्या निकला, I3 निकल गया। तो जंक्शन पे कुछ बचा क्या, अब जितना आया था वो तो निकल गया, तो कुछ बचा जंक्शन पे नहीं बचा, तो करंट क्या बचा जंक्शन पे जीरो। तो आने वाले करंट को हम क्या लिखते हैं पॉजिटिव और जाने वाले करंट को क्या लिखते हैं भैया नेगेटिव। तो सब सम क्या होगा सबका भैया जीरो आएगा। इसका एक क्वेश्चन करते हैं भैया, ये 2 एम्पियर करंट है, ये 4 एम्पियर करंट है, यहां पर x एम्पियर जा रहा, बताओ कितना आएगा ये x, क्या है भैया। तो आने वाले करंट क्या होगा भैया, आने वाला ये x है ठीक है भैया। तो आने वाले करंट को हम क्या करते हैं भैया जोड़ते हैं, जोड़ते हैं इनको और जाने वाले को क्या करते हैं माइनस करते हैं। तो x की वैल्यू क्या आ गई भैया 6 एम्पियर आ गई, आ गई ना। तो इस तरीके से यूज होता है। दूसरा इसका यूज एक जगह और है ठीक है। देखिए मान लीजिए एक बैटरी लगी है ठीक है, और यहां पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है R1 और यहां पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है R2, R1 और ये लगा R2। अच्छा इससे इस बैटरी से इसका EMF क्या E, इस बैटरी से करंट कितना निकला I, कितना निकला I। अगर ऊपर वाले इस पे क्या चला गया भैया I1 क्या चला गया I। तो नीचे वाले में कितना आएगा I माइनस I1। और आप जब देखोगे सॉल्व करोगे इसको इस जंक्शन पे तो कुल करंट की वैल्यू क्या आएगी जीरो। कैसे, I माइनस I1 और माइनस I माइनस I1 जोड़ोगे तो कुल वैल्यू क्या आएगी जीरो आएगी। देखो कैसे, I1 क्या, देखिए I इसकी इस जंक्शन पे आ रहा है ना, और ये क्या आ रहा है जा रहा है, इसलिए क्या होगा ये माइनस होगा, और ये भी क्या आ रहा है भैया जा रहा है, तो ये भी क्या होगा माइनस होगा ठीक है। सॉल्व करो इसको तो क्या होगा I माइनस I1 माइनस I प्लस I1 कट गया, क्या आ गया भैया जीरो। तो जंक्शन पर कुल करंट की वैल्यू क्या आती है भैया जीरो आती है। इस तरीके से भी इसका यूज होता है ठीक है भैया। फोटो ले लीजिए भैया इसकी टोटल, अच्छा करंट एट द जंक्शन इक्वल्स टू में क्या होगा भैया जीरो, समझ गए, ये समझ में आ गया। देखिए भैया अगला आ रहा भैया, इसका दो रूल है इनका, और दो रूल को कंबाइन करके क्वेश्चन बनता है ठीक है भैया। तो दूसरा जो रूल है वो मैंने आपको कल थोड़ा बहुत बताया था, उसी को दोबारा से बताऊंगा तो आपको चीजें क्लियर रहेंगी ठीक है भैया। ध्यान दीजिए, वहां पे कोई करंट चार्ज बचता ही नहीं है, जितना चार्ज आता है उसको लीव कर जाता है, ये बोल रहा है ठीक है। फ्लो नहीं करता तो चार्ज वहां पे इकट्ठा हो जाता ना, मिटो दू। चलो सेकंड रूल है भैया, इसे कहते हैं लूप रूल। सेकंड रूल को क्या कहते हैं, लूप लॉ। ध्यान दीजिए भैया, सेकंड अभी है लूप लॉ, क्या कहता है भैया ध्यान दीजिए, ये लॉ कहता है भैया कि किसी भी जंक्शन पर और सॉरी किसी भी एक क्लोज लूप में कुल पोटेंशियल की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है जीरो होती है। कल बताया था भैया टोटल पोटेंशियल ड्रॉप इन अ क्लोज लूप इज ऑलवेज इक्वल्स टू जीरो। कह रहे भैया किसी भी क्लोज लूप में कुल पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, पोटेंशियल ड्रॉप जानते हो ना भैया, 4-5 रेजिस्टेंस लगे तो बैटरी का कुछ पोटेंशियल यहां पर, कुछ पोटेंशियल यहां पर, कुछ पोटेंशियल यहां पर, तो जो पोटेंशियल सब पे डिस्ट्रीब्यूट होता है उसको ड्रॉप कहते हैं, क्या कहते हैं। तो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप इन अ क्लोज लूप इज ऑलवेज इक्वल्स टू जीरो, यानी आप किसी भी क्लोज लूप में अगर आप कुल पोटेंशियल को जोड़ोगे समेशन करोगे उसका तो उसकी वैल्यू क्या आएगी भैया जीरो आएगी इन अ क्लोज लूप ठीक है भैया। चलो अब देखिए भैया, अब दूसरा साइन कन्वेंशन, ध्यान दीजिए साइन कन्वेंशन क्या कहता है भैया, रेजिस्टेंस है भैया, ये ए पॉइंट है और ये क्या है भैया बी पॉइंट है, इसका रेजिस्टेंस आ रहा है, करंट आपका ऐसे जा रहा है और अगर आप पोटेंशियल ले रहे हो ए से बी में, कितना किससे ले रहे हो भैया, करंट कहां जा रहा है, करंट से ए से बी, और पोटेंशियल आप कहां ले रहे हो
ए से बी, तो रेजिस्टेंस क्या करो उसमें पोटेंशियल क्या होता है, V इक्वल्स टू आई आर, क्या होता है भैया, तो I इंटू में R, यानी ये करंट इंटू में क्या होगा ये रेजिस्टेंस क्या देगा इसके अक्रॉस का पोटेंशियल देगा, लेकिन आप ए बी जा रहे हो करंट भी आपका ए बी है तो इसलिए क्या होगा पॉजिटिव होगा, क्या होगा भैया। अच्छा आप देखिए, आप अगर बी से ए ले रहे हो पोटेंशियल तो क्या होगा, करंट तो इधर जा रहा है आप इधर आ रहे हो तो क्या होगा माइनस आई आर, क्या होगा भैया माइनस आई आर। ये इसमें साइन कन्वेंशन हो जब आप रेजिस्टेंस के अक्रॉस में पोटेंशियल निकालोगे, अगर आप करंट के साथ जा रहे हो पोटेंशियल निकालने के लिए तो पॉजिटिव, करंट से उल्टा आ रहे हो तो पोटेंशियल निकालने क्या होगा भैया नेगेटिव होगा। अब सेल के लिए क्या है, फोर फोर रजिस्टर, रजिस्टर के लिए ठीक है भैया, और फोर सेल या बैटरी जो भी आप ठीक है भैया। सेल के अगर देखिए भैया, सेल के दो टर्मिनल होते, एक पॉजिटिव होता है दूसरा क्या होता है भैया, अगर आप जा रहे हो और पहले क्या है पॉजिटिव है फिर क्या है, जब आप ऐसे जा रहे हो तो पहले क्या आएगा पॉजिटिव आएगा फिर क्या आएगा, तो इस बैटरी का ईएमएफ क्या होगा भैया पॉजिटिव, क्या होगा भैया पॉजिटिव। और अगर आप जा रहे हो पहले क्या आ जाए नेगेटिव फिर क्या है पॉजिटिव, आप जा रहे हो पहले क्या है फिर क्या आ जाए भैया पॉजिटिव, तो इस सेल का ईएमएफ क्या होगा भैया नेगेटिव आएगा। तो ये साइन कन्वेंशन है, फटाफट फोटो ले लीजिए, कहा जा रहे जल्दी फटाफट फोटो लो। चलो बेटो दू हो गया फोटो ले ली, चलो किन्ने लिए फोटो ये ली, ओए अब देखिए भैया मिटो रहा भैया ध्यान दीजिए, ये देखिए बच्चा पहले एक क्वेश्चन करा रहा हूं देखना मैं किस प्रकार से इक्वेशन बना रहा हूँ, जरूरी नहीं कि जैसे मैं बना रहा हूँ ऐसे आप बनाओ ठीक है, आप अपने तरीके से बना सकते हो लेकिन जो तरीका मैं अप्लाई कर रहा हूँ वही लगाना है आपको ठीक है। चलो देखिए ये आपका एक सेल है, ये आपका दूसरा सेल है ठीक है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस क्या है आर वन है और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस क्या है आर टू है, और यहाँ पे एक सेल है रेजिस्टेंस इसका रेजिस्टेंस क्या आर थ्री है ठीक है भैया, ये बना पड़ा पूरा सर्किट ठीक है भैया। अभी देखिए भैया ये सेल इसका ईएमएफ E1 है E2 और इसका ईएमएफ क्या है E1 है, बता दूं भैया बैटरी के पॉजिटिव से करंट निकलता है, ध्यान दीजिए भैया बैटरी के कहां से निकलता है करंट पॉजिटिव, तो यहां से करंट निकला I1, वो I1 इधर गया और यहां से क्या निकला I2, दोनों क्या है जंक्शन पे है तो यहां पर क्या होगा करंट, अब ये I2 आया I1 आया तो कितना आया भैया I1 प्लस I2 है ना, फिर ये ऐसे सेल से गया फिर ऐसे जाते जाते इस सेल से कितना करंट निकला था I2, तो I2 क्या हुआ ये I1 प्लस I2 था, तो भैया I2 इसके अंदर क्या हुआ वापसी आ गया, जिस सेल से जितना करंट जाएगा उतना वापसी आ जाएगा और नीचे क्या गया I1 और ये I1 यहां से होता हुआ इसके अंदर वापसी आ गया ठीक है भैया। इसे करंट डिस्ट्रीब्यूशन किया मैंने बाय यूजिंग फर्स्ट लॉ, पहले लॉ को यूज करते हुए मैंने ये करंट का डिस्ट्रीब्यूशन किया कि किस ब्रांच में कितना जाएगा, क्वेश्चन पता कैसे आते हैं इसमें आप ना ओम्स लॉ लगा ही नहीं सकते किसी भी कीमत पर, ओम सुन लगे इसमें ठीक भैया आप नहीं बता चलो ठीक है। अच्छा अच्छा इसमें आप ओम सुन नहीं लगा सकते ठीक है भैया, बता रहा हूं ए बी सी डी और ये क्या भैया ओम सुन लगा के आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते, ध्यान दीजिए भैया ये सर्किट देखा तो तुमने ठीक है, यहां से I1 करंट गया वो I1 यहां पहुंचा यहां से I2 निकला तो यहां पे क्या होगा ये I1 I2 यहां से पास करेगा यहां से पास करेगा यहां से, लेकिन जब यहां पे आएगा तो यहां पर क्या आ गया जंक्शन आ गया है ना, अब करंट का क्या होगा डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो यहां से कितना करंट निकला था तो इसमें से I2 क्या हुआ इसके अंदर चला गया, अब नीचे कितना बचेगा वो I1 इसके अंदर आ गया समझ गया। अब देखिए भैया ये मैंने करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया पहले लॉ का यूज करते हुए ठीक है भैया, आपको पता नहीं लगेगा आप लॉ यूज कर रहे हो लेकिन यूज कर रहे हो आप लेकिन आपको पता नहीं लगेगा, आपको लगेगा कि यार ये तो चल रहा है ये तो हम जानते हैं ऑलरेडी, लेकिन आप लॉ यूज कर रहे हो कौन सा जंक्शन रूल ठीक है भैया। तो चलो देखते हैं भैया, अब यहां पर मैं जैसे मैं कर रहा हूं ध्यान दीजिए भैया आपके कितने टाइप के करंट है यहां पर, दो टाइप के करंट है एक I1 है और I2 है, यानी यहां पर मैक्सिमम आपको दो इक्वेशन बनानी है, करंट अगर तीन तरह के होते I1 I2 I3 तो आपको तीन इक्वेशन बनानी पड़ती ठीक है भैया, यहां पर आपके दो करंट है इसलिए आप दो ही मैक्सिमम इक्वेशन बनाओगे। अब इक्वेशन कैसे बनानी देखिए ले मैं यहां पर ले रहा हूं लूप फर्स्ट ले रहा हूं, नाम दे रहा भैया ABCD एफ हो गया ठीक है भैया ABCFA ABCFA
ये लूप हो गया, इसे कहते हैं क्लोज लूप। क्या कहते हैं इसे भैया? पूरा लूप क्लोज कर दिया आपने, ठीक है भैया। जहां से स्टार्ट करो वहीं पे आके एंड करना। अब ये कैसा लूप है? एंटी क्लोक, ये क्या भैया? क्लॉकवाइज है। क्या है भैया? जब आपने इसको क्लॉकवाइज लिया तो नीचे वाले को भी क्या लोगे? क्लॉकवाइज लोगे। अगर आप इसको एंटी क्लॉकवाइज लेते तो इस नीचे वाले को भी क्या लेते? तो इसको भी क्या लो? क्लोज हुआ। दूसरा लूप बताइए, लूप नंबर टू। लूप टू, ठीक है भैया। क्या भैया? एफ सी डी ई एफ, एफ सी डी ई एफ, है ना। ये लूप ले लिया मैंने, सेकंड लूप, ठीक है। मुझे दो ही लूप की आवश्यकता है क्योंकि दो टाइप के करंट है। अगर तीन तीन करंट है तो तीन लूप लेता मैं, ठीक है भैया। तीसरा लूप क्या लेता? ये वाला बाहर वाला, ठीक है। चलो अब मुझे पता भी है लूप तो क्लोज है, यानी कुल पोटेंशियल को जोड़ूंगा तो सम क्या आएगा? जीरो आएगा, सेकंड रूल कहता है। चलो भैया देखिए, मैं कहां से गया? ए से बी पे गया, बोलो। हाँ, जब मैं ए से बी पे जा रहा था तो करंट भी यहीं पे जा रहा था, मैं भी इधर ही जा रहा हूँ, तो क्या करो? उसमें जो भी पोटेंशियल आएगा वो क्या होगा भैया? ये पॉजिटिव होगा, तो क्या होगा भैया? आई वन प्लस आई टू इंटू में आर थ्री। ये क्या हुआ? इसके अक्रॉस का पोटेंशियल आएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस के अक्रॉस में जब भी पोटेंशियल निकालोगे तो रेजिस्टेंस इंटू में क्या करोगे? करंट। तो करंट कितना है? आई वन प्लस आई टू, और रेजिस्टेंस क्या है? आर थ्री। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, इसके अक्रॉस में पोटेंशियल आ गया, और ये पॉजिटिव होगा इसलिए क्योंकि आप भी ए से बी पे ले रहे हो पोटेंशियल, ए से बी पे ले रहे हो पोटेंशियल, और करंट भी कहां जा रहा है आपका? समझ गया भैया। चलो फिर उसके बाद कहां से आया? सी से बी से सी पे। कुछ है यहां पर जब रजिस्टर पोटेंशियल केवल दो जगह पे मिलेगा आपको, या तो रेजिस्टेंस के ऊपर या फिर सेल के पास। यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस है, कोई सेल है, तो यहाँ पर नहीं मिलने वाला आपको पोटेंशियल, ठीक है भैया। चलो सी से फिर कहाँ गए? जब आप सी से एफ पे आ रहे हो तो देखिए क्या गया? रेजिस्टेंस, यानी यहाँ पे पोटेंशियल मुझे मिलेगा, और यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा? यहाँ का रेजिस्टेंस इंटू में यहाँ का, और ये आपको पता है आप भी इधर आ रहे हो, करंट भी आपका इधर ही आ रहा है, तो क्या होगा? पॉजिटिव। क्या होगा? आई टू आर टू, ठीक है भैया। चलो और बीच में क्या आ गया? सेल आ गया, यहाँ पर भी पोटेंशियल मिलेगा। कितना आएगा? नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव, क्योंकि बैटरी का नेगेटिव आ रहा है। आप कहाँ जा रहे हो? नेगेटिव से। तो भैया क्या होगा? माइनस ई टू, बराबर में क्या होगा भैया? जीरो, क्योंकि आप फिर कहाँ पे? एफ से कहाँ जाओगे? ए पे कुछ नहीं मिलेगा आपको यहाँ पे, तो क्या हो गया भैया? बराबर में जीरो। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, सॉल्व करना, प्लस माइनस गुणा करना, ठीक है भैया। अब देखिए दूसरा लूप ले रहे हैं, ठीक है भैया। लूप नंबर सेकंड, एफ से कहाँ जा रहे हो भैया? सी पर। जब आप एफ से सी पर आ रहे हो, करंट आपको उल्टा आ रहा है, यानी अगर रेजिस्टेंस के अक्रॉस में आप पोटेंशियल निकालोगे तो क्या होगा? इस ब्रांच में नेगेटिव आएगा, क्योंकि करंट आपका उल्टा आ रहा है, आप उल्टा जा रहे हो। पहले क्या आ गई? बैटरी। बैटरी का कौन सा टर्मिनल आया पहले? पॉजिटिव, तो क्या होगा भैया? प्लस ई टू। फिर क्या आ गया? सेल, रेजिस्टेंस आ गया, लेकिन इसके अक्रॉस में पोटेंशियल क्या होगा? पता है ना क्यों? आई टू आर टू। फिर उसके बाद सी से कहां पे गए? डी पे, कुछ भी नहीं है। फिर डी से कहां पे गए? ई पे। डी से ई पे आ रहे तो करंट भी सी में आ रहा है, मैं भी सी पे आ रहा हूँ। रेजिस्टेंस के अक्रॉस में जो भी पोटेंशियल आएगा क्या होगा? पॉजिटिव, तो क्या होगा? ये रेजिस्टेंस आ गया, क्या होगा? आर वन आई वन। फिर आ गया सेल, लेकिन नेगेटिव आया, तो क्या हो भैया? और ये क्या हो भैया? बराबर में जीरो। ये दो इक्वेशन बनी है इस तरीके से, ठीक है भैया। अब ये तो वेरिएबल में है तो इसलिए आप सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन जो इक्वेशन वेरिएबल में नहीं होगी तो आपको प्रॉपरली उसको क्या करना है भैया? सॉल्व भी करना है, ठीक है भैया। अभी आगे करेंगे, फोटो ले लो इसकी। ओके भाई, देखिए हो गया, ले लिया। चलो भैया अगला देखते हैं। इसी यहीं पे हम क्या करते हैं भैया? ईएमएफ देते हैं 5 वोल्ट, और क्या देते भैया? 4 वोल्ट, ठीक है। रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है इसकी? 2 ओम। इसकी क्या है? 1 ओम। इसकी क्या है? 3 ओम, ठीक है भैया। अब पता क्वेश्चन क्या बोलेगा? कैलकुलेट करंट इन ईच ब्रांच, प्रत्येक ब्रांच में करंट की वैल्यू निकालिए। अब तो वेरिएबल में नहीं है, ठीक है भैया। तो करंट की वैल्यू निकालने पूछेगा, ओए करंट की वैल्यू पूछ सकता है हर ब्रांच में, या फिर ये पूछेगा भैया कि इसके अक्रॉस में कितना पोटेंशियल आएगा, या इसके अक्रॉस में कितना पोटेंशियल आएगा, ठीक है भैया। तो चलो देखिए कैसे करते हैं। तो ये तो फोटो ले ली,
ठीक है। अभी हमने क्या किया, सेम वही करंट डिस्ट्रीब्यूशन है क्योंकि मैंने कोई छेड़छाड़ी नहीं की है, ठीक है। तो आई वन प्लस आई टू रेजिस्टेंस क्या भैया, ये क्या है दो है, और ये क्या होगा भैया आई टू, और ये क्या होगा वन है, तो ये आई टू बचेगा केवल क्योंकि एक है। तो फिर बैटरी कितना है भैया 5 वोल्ट है, तो इसको सॉल्व करोगे क्या होगा 2i1 2i2 और क्या होगा प्लस आई टू बराबर में 5, ठीक होगा 2i1 3i2 बराबर में क्या होगा 5, पहली क्वेश्चन होगी बोलो। हाँ ठीक है, फिर लूप आ गया ये वाला, कौन सा लूप लिया नीचे वाला, ठीक है। तो E2 था ये और ये E1 था, ये 4 है, 4 वोल्ट के था ना, इसे 4 वोल्ट, ठीक है भैया। देखिए तो ये E2 है तो क्या होगा 5, I2 आपको पता ही नहीं है कहाँ गया भाई, I2 मेरा कहाँ से कहाँ पे आया था, मैं इधर गया था, ठीक है। आइए क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, I2 बचेगा माइनस I2, और उसके बाद R1 क्या भैया 3 3 3i1, और उसके बाद बैटरी क्या होगी 4 माइनस 4 वोल्ट। अब इसको सॉल्व करो तो क्या होगा, ये 5 वोल्ट है ना, 5 5 माइनस 4 क्या हुआ 1 हो गया, माइनस आई टू प्लस 3i1 बराबर में क्या हुआ 0, तो माइनस I1 प्लस 3i1 3i1 ठीक है भैया, बराबर में क्या हुआ -1, ठीक है भैया। ये अब ये तो ध्यान दीजिए भैया, अब ये एक दो वेरिएबल इक्वेशन है और ये एक दो वेरिएबल इक्वेशन है, आपको दो वेरिएबल इक्वेशन सॉल्व करनी आती है अच्छे से, ठीक है भैया। यहां से आप क्या निकालोगे, दोनों को सॉल्व करके I1 और I2 की वैल्यू है ना, जब I1 और I2 की वैल्यू आपको पता लग गई तो आप कहीं पर भी इसका करस्पोंडिंग पोटेंशियल निकालना होगा तो क्या करोगे, इसका करस्पोंडिंग पोटेंशियल I1 I2 को क्या करोगे जोड़ोगे और दो से क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे। कई बार ऐसा ही बोलेगा कि इसके अक्रॉस में कितनी हीट निकल रही है इतने टाइम में, 2 सेकंड में इतनी हीट, 2 सेकंड में कितनी हीट निकल रही है, तो हीट का फॉर्मूला क्या होता है पढ़ाऊंगा अभी, I2 RT। तो I तो पता है I1 प्लस I2, रेजिस्टेंस पता है, टाइम 2 सेकंड बोलेगा तो निकाल लोगे, समझ गया, कुछ भी निकालने को पूछ सकता है, ठीक है। इस तरीके क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, फोटो ले इसके, क्वेश्चन नंबर 2 समझ गया। चलिए करो भैया, NCERT का एक क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, ठीक है। अब NCERT का क्वेश्चन करा रहे, मिटो रहा हूं, ठीक है। देखिए NCERT का देने के लिए NCERT, अब NCERT निकाल लो, और NCERT है दिखा दिखा, ओए देखिए भैया 10 वोल्ट 5 वोल्ट 4 ओम रेजिस्टेंस, 1 ओम रेजिस्टेंस, 1 ओम रेजिस्टेंस, और ये क्या भैया 4 ओम रेजिस्टेंस है, ये 2 है, ये भी क्या है 2 ओम है बस, ठीक है भैया। अभी क्या कह रहा है भैया, कैलकुलेट द करंट इन ईच ब्रांच, प्रत्येक ब्रांच के अंदर आपको करंट निकालनी है, ठीक है भैया। एनसीईआरटी क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है, ठीक है भैया। ए बी सी डी और इसको ले लो ए, ठीक है भैया। अब देखिए भैया, मैंने इससे I1 करंट निकाल लिया, कितना निकाल दिया भैया करंट I, क्या निकाल दिया, तो अगर ये नीचे वाले में क्या चला गया I1 चला गया, तो ऊपर वाले में क्या जाएगा I- ये तो जाएगा। अच्छा यहां से मैंने कितना करंट निकाल दिया I2, कितना गया I2, I1 माइनस I1 इधर आ रहा है और I2 इधर आ रहा है, तो यहां पे कितना आएगा I- I1 प्लस, कोई दिक्कत तो नहीं भैया। ये जब आया तो इस, ये यहां पर भी जंक्शन आ गया, यहां पर भी करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो आपको पता है बैटरी से कितना करंट निकला है I, तो इसमें से जो I वाला पार्ट है वो क्या होगा, इसके अंदर चला जाएगा। जब इसके अंदर चला गया तो आप देख रहे हैं यहां पे I था,
जब अंदर चला गया तो क्या बचेगा नीचे, आई टू माइनस आई वन, है ना। देखियो जब यहां से आई वन चला गया, आई चला गया इसके अंदर वापसी, तो इसमें कितना बचा, आई माइनस आई वन प्लस आई टू, वो नीचे आ जाएगा, आगे पीछे लिख दिया उसमें इसको, ठीक है भैया। अच्छा यहां से करंट कितना जा रहा है, आई वन, और यहां से कितना आ रहा है, तो ये प्लस है और ये क्या भैया माइनस है, तो यहाँ पे क्या चलेगा भैया आई टू। देखिए जिस बैटरी से जितना करंट मिला था उसके अंदर वापसी उतना चला गया, ठीक है भैया। अब लूप लेनी है आपको, कौन सी लूप, देखिए लूप फर्स्ट, यहाँ पर कितने तरह के करंट है, तीन तरह के, आई आई वन और आई टू, यानी आपको तीन इक्वेशन बनानी है, क्योंकि तीन वेरिएबल है तो तीन इक्वेशन बनाओगे, यहाँ पे जितने वेरिएबल आप देखेंगे उतने वेरिएबल वाली इक्वेशन बनाओगे, ठीक है। तो देखिए लूप कौन से ले रहे हैं, देखिए बी ए ई, या फिर एक काम करो क्लोक वाइज लेता हूँ, ए बी ई ए, ए बी ई ए पहला लूप हो गया, दूसरा लूप, लूप सेकेंड ए ई डी ए, ए ई डी ए, और जरूरी नहीं कि जैसे मैंने करंट का डिस्ट्रीब्यूशन का रखा वैसे करो, आप यहां से यहां पर आई डाल सकते हो, यहां पे आई माइनस आई वन कर सकते हो, आपकी मर्जी है, लेकिन रूल को फॉलो करते हुए करना, ठीक है, गलत मत कर देना। लूप नंबर थर्ड, ठीक है भैया, ये क्लॉकवाइज ली थी ना, ये भी क्लॉकवाइज ली, इसे भी क्या करूंगा क्लॉकवाइज, तो बी सी डी, देखिए जो अगर आप एक क्लॉकवाइज ले रहे हो तो बाकी की भी क्लॉकवाइज लोगे, एक एंटी क्लॉकवाइज लोगे तो बाकी की भी क्या करोगे, एंटी क्लॉकवाइज लोगे। तो आप देखिए भैया ए से लेके बी पे गए, बोलो हाँ, ए से लेके बी पे गया, करंट भी आपको उसी डायरेक्शन में तो क्या पोटेंशियल इसके अगर उसमें क्या पॉजिटिव चार आई माइनस आई वन, ठीक है भैया। फिर आप बी से कहां पे गए, ई पर, बी से ई पर गए तो देखिए करंट भी यहीं पर, आप भी यहीं पर, तो क्या होगा प्लस दो आई माइनस आई वन प्लस आई टू, ठीक है भैया। उसके बाद आप कहां से, ई से कहां पे गए, ए पे, ई से ए पर, तो करंट भी आपका इधर, आप भी इधर, तो करंट कितना है आई, रेजिस्टेंस कितना है एक, तो क्या होगा आई बचेगा, है ना, और बैटरी का क्या रहा है नेगेटिव, बैटरी का नेगेटिव आएगा तो क्या होगा माइनस, बराबर में क्या हो गया भैया, ठीक है भैया। पहली इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो पहली इक्वेशन प्रॉपर वे में बन जाएगी। फिर आप कहां से कहां पे गए, ए से लेके ई पे, कहां गए, ए से लेके ई पर। अब देखिए करंट इधर आ रहा है और आप जा रहे हो उधर, तो जो भी रेजिस्टेंस रहेंगे सबके ऊपर उसमें पोटेंशियल क्या होगा, नेगेटिव आएगा। लेकिन अभी ये बैटरी देखो, तो बैटरी क्या आ गया पॉजिटिव आ गया, तो प्लस 10 वोल्ट, 10 वोल्ट, ये देखिए वो आ गया, ये रेजिस्टेंस आ गया, करंट इधर आ रहा, आप इधर जा रहे हो, तो क्या होगा माइनस एक गुणों में आई, तो आई हो गया माइनस आई। अच्छा उसके बाद ई से डी पे गया, करंट भी नीचे आप भी नीचे, तो क्या होगा प्लस टू आई टू माइनस आई वन, ठीक है भैया। उसके बाद फिर कहां से गए, डी से लेके ए पे गए, करंट नीचे आप ऊपर, तो माइनस फोर आई वन, बराबर में क्या होगा भैया जीरो। दूसरी इक्वेशन ये बन रही है आपकी, ठीक है भैया। अब तीसरी इक्वेशन क्या बन रही है, बी से सी पर, बी से सी पर कुछ नहीं है, पोटेंशियल केवल दो जगह मिलता है, एक तो बैटरी पर, दूसरा रेजिस्टेंस पे, क्या मिलेगा यहां पर, तो कुछ भी नहीं है, हटा दो। अभी क्या आ गया, बैटरी, बैटरी क्या आ गया बी से सी पे पॉजिटिव, तो क्या लिखोगे प्लस पांच वोल्ट। उसके बाद कहां, सी से कहां पे गए, डी पर, कुछ भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर डी से कहां पे गए, ई पे, करंट नीचे आप ऊपर, तो क्या होगा माइनस टू आई टू माइनस आई वन, ठीक है। फिर आप कहां से गए, ई से बी पे, ई से बी पे करंट नीचे, तो क्या होगा नेगेटिव टू आई माइनस आई वन प्लस आई, बराबर में क्या हो गया भैया। तो भैया इस तरीके से आप ये तीन वेरिएबल की एक इक्वेशन बनेगी, तीन वेरिएबल की एक इक्वेशन बनेगी, तीन वेरिएबल की एक इक्वेशन बनेगी, किसी भी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू को निकाल लेना, ठीक है। जब आप एक इक्वेशन से एक एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लोगे तो क्या होगा भैया, वो एक वेरिएबल वाली वैल्यू को दो बाकी दो इक्वेशन में रख देना, तो दोनों इक्वेशन किस में कन्वर्ट होगी, दो वेरिएबल में, और दो वेरिएबल की इक्वेशन आप सॉल्व कर लोगे, वहां से आई वन निकाल लोगे, आई टू निकाल लोगे और आई थ्री निकाल लोगे, ठीक है भैया। अगर आई, अच्छा आई 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 वन आई टू, ठीक है भैया, इनकी वैल्यू आपको पता लग जाएगी। अगर बोलेगा भैया इस ब्रांच में कितना करंट है, तो क्या होगा आई माइनस, इस ब्रांच में कितना करंट है, तो आई माइनस आई वन प्लस, वैल्यू पता आपको, इस ब्रांच में कितना करंट है। अच्छा बोलेगा इस रेजिस्टेंस से दो सेकंड में कितना हीट निकलेगी, तो क्या करोगे, करंट आपको पता है, रेजिस्टेंस पता है, टाइम आपको पता रहेगा, मल्टीप्लाई करके निकाल देना वहां पे, ठीक है भैया। तो इसकी फोटो ले लो, ठीक है। अब कल की क्लास में इससे हार्ड लेवल के क्वेश्चन होंगे, ठीक है भैया, ये केवल आज चाह रहा था, कल थोड़ा एक्स्ट्रा जाएंगे, ठीक है भैया। मिलते हैं अगली क्लास में, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।